हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टेकुक एफएफ हिंदी स्पेलन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ माफिया किंग्स ऑब्सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे तेजो है, वो जंगकुक को गले लगा लेते हैं। बहुत ही टाइटली ये दोनों एक दूसरे को हग करके खड़े हुए थे। जंगकुक के आँखों पर बहुत ज़्यादा खुशी थी और खुशी के आंसू भी थे कि आखिर में ते ने उसको एक्सेप्ट कर ही लिया। लेकिन अभी तक ते ने कहा नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जेके जेके उसको बोलते हैं, ते तुम मेरे पास आ गए हो, अब कभी मुझे छोड़ के मत जाना, ठीक है? मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ते उसको बोलते हैं, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन जेके बोलते हैं, लेकिन क्या, हमारी प्यार के बीच में लेकिन कहाँ से आता है? ते बोलते हैं, नहीं, मैं तुमसे प्यार कैसे कर सकता हूँ, वही सोच के मैं परेशान हो रहा हूँ। लेकिन तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते होती? मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। हाँ, लेकिन तुम माफिया किंग हो और मैं एक माफिया किंग के साथ नहीं रह सकता हूँ। अगर तुम्हें मेरा प्यार चाहिए तो फिर तुम्हें ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बेबी मुझे छोड़ के मत जाना। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, प्लीज़ मेरे साथ यूँ ही रहना, ठीक है? और फिर उसको किस करना शुरू करते हैं। ते कुछ नहीं बोल पाते हैं क्योंकि वो भी उसको प्यार करता है और आप खुद को नहीं रोक पाते हैं जेके की प्यार से अलग होने के लिए। ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे। अब जेके ते को अपने गोद में उठा लेते हैं और सीढ़ियों से ऊपर लेकर जाते हैं, बेडरूम तक उसको गोद में लेकर जाते हैं और फिर बेड तक ले जाने के बाद उसको वहाँ पर उतार देते हैं। ते बोलते हैं, मैं वो तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जेके बोलते हैं, नहीं, अब कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ मैं, सिर्फ हम दोनों अब एक दूसरे में खो जाएंगे। और दोबारा से ते को किसकाना शुरू कर देते हैं। ते की टी शर्ट को अब खोलने लगते हैं जेके। ते की बॉडी शो हो रहे थे, उसकी वाइट बॉडी देख के और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे वो। और जेके उसकी बॉडी को देख के बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे और बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी किस्मत इतना ज़्यादा अच्छा है, तुम मुझे मिल गए हो, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ते बोलते हैं, तुम्हारे मुँह से शराब की बदबू आ रहा है, क्या तुमने ड्रिंक किया है? जेके मुस्करा के बोलते हैं, हाँ बेबी वियर, तुम मेरे पास नहीं थे ना, तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट था और मैं यही सोच रहा था कि तुम उस पार्क जिमी के साथ क्या कर रहा था। और मैंने जब देखा कि तुम उसके साथ हो, उसको गले लगा के खड़े हुए हो, मेरे अंदर क्या चल रहा था तुम्हें पता है? इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। जेके की बात सुन के ते बहुत ही शॉक हो जाता है। बोलता है, क्या, तुम्हें कैसे पता मैं जिमिंग के साथ था? क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे थे? जेके बोलता है, तुमने एक बात कैसे यकीन कर सकते हो कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं करूँगा? तुम घर पर नहीं हो, यहाँ से चला गए हो और तुम कहाँ गए हो, किसके साथ हो, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं रहेंगे और मैं ये सब कुछ ख्याल नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा? सुनो मेरी बात, तुम पार्क जिमिन से कभी भी नहीं मिलोगे, ठीक है? और वो तुम्हें टच किया है, मैं उस पार्क जिमिन का हैंड तोड़ दूँगा, उसकी उंगलियाँ काट दूँगा। क्या बोल रहे हो तुम, दिमाग खराब हो गया है क्या? अभी तो तुमने कहा था तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकते हो, तो अब ऐसा क्यों बोल रहे हो? प्लीज़ जेके, अगर तुम मुझे चाहते हो तो तुम्हें ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और जिमिन की शादी हो चुकी है। क्या, जिमिन की शादी हो चुका है? किसके साथ? वो योंगी के साथ। अच्छा हुआ उसने शादी कर लिया है, वरना मैं तो उसे मार ही डालता, क्योंकि उसकी नज़र तुम पे है। तो फिर ये चमत्कार हुआ कैसे? फिर ते उसको सब कुछ बताता है और बोलता है कि योंगी उसको प्यार करता है और मैं उसे प्यार नहीं करता हूँ। चलो अच्छा ही हुआ, अब उस जिमिन की बात तुम्हारे मुँह से मैं नहीं सुनना चाहता हूँ, मुझे वो बहुत ही इरिटेटिंग लगता है। वो तुम्हारी लाइफ में है ही क्यों? जेके इस तरह से बात मत करो, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है, वो मेरा सोलमेट है, बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उससे प्यार ना करके तुमसे दिल दे बैठा। मेरे तो दिमाग ही ख़राब हो चुके हैं कि तुम्हारे जैसे माफिया किंग से मैं प्यार करने लगा हूँ। छोड़ो अब इन सारी बातों को, तुम सिर्फ ये सोचो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, ये माफिया किंग बीच में मत लाओ, ठीक है? वो मेरा प्रोफेशन है और मैं उसमें बहुत अच्छा हूँ।
कि तुम अच्छा बोलते हो खुद को, माफिया तुम कोई अच्छा नहीं है, तुम बहुत गंदे हो। हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें इस गंदे आदमी से ही प्यार करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या तुम फिर से मेरे साथ ज़बरदस्ती करने वाले हो? तुम्हें और जिमिन में फ़र्क क्या है तुम्हें पता है? वो मुझसे प्यार करता है, वो मेरी खुशी के लिए मुझे छोड़ दिया है, उस युंगी से शादी कर लिया है जिससे वो प्यार नहीं करता है, और तुम मुझे प्यार करते हो और मुझे पाने के लिए सबको मार भी सकते हो और मेरे साथ ज़बरदस्ती कर सकते हो, लेकिन मेरी खुशी के बारे में, मेरी चाहत के बारे में तुम्हें कोई परवाह नहीं। जिमिन की मेरी परवाह है, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी खुशी किससे है, वो सोच के अपनी खुशी को सेक्रीफाइस कर सकता है, लेकिन तुम नहीं। जेके बोलता है, तुम क्या चाहते हो, आखिर में तुम्हारी खुशी किस में है? तुम तो अभी अभी कहा ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो फिर इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो इसलिए कह रहे हो तुम कि ताकि मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ ना करूँ? तो फिर ठीक है, अगर तुम्हारी इन सारी चीज़ों में ही तुम्हारी खुशी है और तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ना करूँ, तो सोए रहो यहाँ पे खुद और मैं चला जाता हूँ। और वो सोफे पे जाके बैठ जाते हैं, बोलते हैं, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला हूँ, अब खुश हो तुम, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, फिर भी तुम उस पार्क जिमिन के साथ मेरी तुलना मत करो, क्योंकि मैं बहुत अलग हूँ और मैं तुम्हारे लिए बहुत परफेक्ट हूँ, मेरे जितना प्यार तो तुम्हें कोई नहीं कर सकता है, उस पार्क जिमिन भी नहीं। तुम ये बात गांठ बांध लो, मेरे जितना प्यार कोई नहीं कर सकता है, समझ गए हो तुम? और वो उसको घूर घूर के देख रहे थे, ते शौक हो जाते हैं, क्या सच में तुम सोफे पे जाके बैठ गए हो और कुछ नहीं करने वाले हो? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, इसलिए मैंने कब कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ ना करो? जेके बोलते हैं, क्या मतलब, तुम आखिर में बोलना क्या चाहते हो? अभी अभी तो तुम यही समझाने की कोशिश कर रहे थे ना, तो लो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, और तुम्हारी खुशी जिसमें है मेरी भी खुशी उसमें ही है, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, अब खुश हो तुम? एक कैसा प्यार है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जिस प्यार में मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ लव मेकिंग नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम्हारे इरादा यही है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ना करूँ और तुम्हें ऐसा वाला प्यार ही चाहिए, तो फिर ठीक है, दूर दूर से हम एक दूसरे को प्यार करेंगे, लेकिन मैं चाहता था तुम्हें और भी ज़्यादा प्यार देने के लिए और तुम्हें ये फील कराने के लिए कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हें स्पेशल फील कराना चाहता था। जेके की बात सुन के थी बहुत ही शौक हो जाते हैं कि आखिर में सच में वो सुबह में जाके बैठ गए हैं और उठ भी नहीं रहे थे। ती अपनी शर्ट को खोलने लगते हैं, जेके सिर्फ उसको देख ही जा रहे थे कि वो क्या कर रहा है, क्या वो अपना शर्ट खोल रहे हैं, लेकिन किस लिए? और फिर ती अपनी शर्ट को खोल के बिस्तर पर जाके बैठ जाते हैं और जॉनकुक की तरफ बहुत ही हॉट नज़रों से देखते हैं। जॉनकुक भी उसको देख रहे थे, जॉनकुक के अंदर हलचल मच रहे थे, उसको ये लग रहा था कि मैं अभी जाके ते को किस कर लूँ। ते की गले पे बाइट करने का मन कर रहा था उसका, उसकी फुल बॉडी पे किस करने का मन कर रहा था जेके का, लेकिन वो ऐसे ही बैठे हुए थे, वो कुछ नहीं कर रहे थे। ते देखना चाहते थे कि कब तक जेके ऐसे ही बैठे रहते हैं और वो खुद आके ते को कुछ करता है या नहीं। ते जो है अपने पैन की जीप को खोलने लगते हैं, जेके फिर भी कुछ नहीं कर रहे थे, वो सोफे पे ही बैठे हुए थे, वो सब मन में यही सोच रहे थे कि ते को आखिर हो क्या गए है। पहले तो वो ये बोलता है कि ये सब कुछ नहीं करने के लिए और फिर उसको सीरियस भी कर रहे हैं। एक तरफ से ते उसको पूरी तरह से हॉट करने के लिए उसको टीच कर रहे हैं, अपनी बॉडी को शो कर रहे हैं, अपनी पैंट को खोलने के लिए जीप खोलने लगते हैं। जेके ते को घूरे जा रहे थे, एक पल के लिए भी उसकी नज़र जो है झुके नहीं थे, वो सिर्फ ते को ही देख रहे थे और वो बहुत ज़्यादा हॉट हो रहे थे, लेकिन ते भी कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ हॉट मूव्स कर रहे थे। ते अपनी फेस से बहुत ही ज़्यादा हॉट रिएक्शन दे रहे थे जेके को, अपने होठों को बाइट करते हैं, अपनी उंगलियों को लीक करते हैं, ये सब कुछ देख के जेके बहुत ज़्यादा हॉट हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो सोफे पे ही बैठे हुए थे। ते देखता है कि नहीं, जेके तो कुछ नहीं करने वाला है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ते ये सब कुछ नहीं चाहता है, लेकिन आज ते भी चाहता था इन दोनों की दरमियान जो दूरियां है वो कम करने के लिए और वो दोनों एक साथ होने के लिए। पहले भी ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन उसमें ते की मर्ज़ी नहीं था, आज ते खुद चाहते थे कि ये सब कुछ हो, लेकिन जेके गलत समझ लिया है और वो जाके बैठ गए हैं।
इतने ज़्यादा हॉट फील होने की वजह से जे के अपने कोट को उतार देते हैं और शर्ट पहन के ऐसे ही बैठे रहते हैं। अपनी शर्ट के ऊपर के दो बटन को खोल देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहे थे उसको। तो ये सब कुछ देखता है, वो सोचता है कि अभी जे के मेरे पास आएगा और मुझे प्यार करेगा, लेकिन जे के नहीं आते हैं। वो ड्रिंक के गिलास अपने हाथों में उठा लेते हैं और उसको पीने वाले थे। ते बिस्तर से उठते हैं और जेके के पास जाते हैं और उसके हैंड को पकड़ लेते हैं। उसके हाथ पे जो ड्रिंक के गिलास थे वो अपने मुंह के सामने लेके उसे ड्रिंक करते हैं और जेके उसको देखते हैं। वो बहुत ही हॉट तरीके से उस ड्रिंक को पी रहे थे, बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहे थे। और जेके उसको बोलता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, आखिर में तुम चाहते क्या हो? हाँ, तुम मुझे टीस कर रहे हो, बहुत बुरा होगा। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। अभी और कुछ मत करना, वरना फिर ते उसको किस कर लेते हैं और उसको बहुत ज़्यादा डीपली किस करते हैं। जेके की माउथ के अंदर ते अपनी टंग को इन करते हैं और फिर सक करना शुरू करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डीप किस करते हैं। जेके को अब परमिशन मिल गया था ये सब कुछ करने के लिए, वो इसी का ही इंतज़ार कर रहा था। अब उसको कैसे रोकेगा ते, नहीं रोक पाएगा। अब उसके साथ बहुत कुछ होने वाला है, अगर ते उसको रोकने की कोशिश भी करेगा जेके नहीं रुकने वाला है। जेके अब ते को पलट देते हैं और उसको सोफे पे लिटा देते हैं, उसके ऊपर आ जाते हैं और ते के मुँह के अंदर अपनी टांग को इन करते हैं और सक करना शुरू करते हैं और उसको बहुत ज़्यादा डीपली किस करते हैं। फिर जेके ते की बॉटम लिप पे बाइट करते हैं, उसकी पूरी फेस पे वो किस कर रहे थे। और फिर ते को बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है। ते बोलता है, मैं तुमसे सिर्फ एक ही दिन दूर था, तुम मुझे इतना ज़्यादा मिस किए हो। जेके बोलता है, हाँ, तुम मुझसे अगर एक सेकेंड के लिए भी दूर रहोगे ना तो मैं पागल हो जाता हूँ, और ये तो एक दिन था, तो मैं कैसे रह पाता। मैंने खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है तुमसे दूर रहने के लिए, लेकिन नहीं हो पाता है मुझसे। हाँ, मैं समझ गया, और फिर तुम मुझसे दूर तो नहीं होगे ना अब। ते बोलते हैं, नहीं, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम अब से ये सब कुछ। और फिर जेके उसको किस करना शुरू करते हैं। ते उसको और कुछ नहीं बोल पाते हैं। जेके मन में बोलता है, मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्या बुलवाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं एक माफिया किंग हूँ और मैं यहाँ से हट नहीं सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से हटने की कोशिश करूँगा तो लोग मुझे जीने नहीं देगा। और वो फिर ते की पूरी बॉडी पे वो किस करना शुरू करते हैं, उसके गले पे बहुत ज़्यादा डीपली लव बाइट की निशान बना देते हैं। ते बोलते हैं, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, इतनी डीप निशान कौन करता है, सब लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। जेके बोलता है, देखने दो, मैं भी चाहता हूँ कि सब लोग देखें कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, मुझसे ज़्यादा प्यार तुम्हें और कोई नहीं कर सकता है ते। और फिर दोबारा से उसको किस करना शुरू करते हैं। और फिर जेके धीरे धीरे से नीचे जा रहे थे। ते बोलता है कि ऐसा मत करो, जेके फिर भी नहीं सुनते हैं। वो और भी नीचे जाते हैं और ते की पैरों की फिंगर को अपने मुँह में ले लेते हैं और उसको किस करना शुरू करते हैं। अब जेके ते को पलट देते हैं और उसको उल्टा करके उसकी दोनों हाथों को बिस्तर के साथ पकड़ के रखते हैं और फिर ते की बैक साइड पे भी किस करना शुरू करते हैं। उसके बाद ये दोनों लव मेकिंग करते हैं। ये दोनों बहुत टाइम्स तक ये सब कुछ कर रहे थे। ते बोलता है कि अब रुक भी जाओ, तुमने बहुत बार ये सब कुछ कर लिया है, अब मैं और नहीं सह सकता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। लेकिन जेके नहीं सुनता है, फिर भी वो ये सब कुछ किए जा रहे थे, उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और जेके ते को बोलता है, तुम इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं हो सकते, मैं जानता हूँ तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम इतने में ही थक नहीं सकते हो, मुझे तो और भी ज़्यादा तुम्हारे साथ ये सब कुछ करना है। और फिर पूरी रात जेके ते को तंग करता है और ऐसे ही उसके साथ लव मेकिंग करते हैं। और जब सुबह होते हैं तो जेके ते की फोरहेड पे किस करते हैं और उसको बोलते हैं, गुड मॉर्निंग वाइफी। ते बोलते हैं, क्या वाइफी? जेके बोलते हैं, हाँ, तुम इतना ज़्यादा पीटी हो कि एक गर्ल्स भी बहुत ज़्यादा पीटी और ब्यूटीफुल हो तुम, मैंने तुम्हारे जितना ब्यूटीफुल किसी लड़की को नहीं देखा है, एक लड़की से भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल तुम हो। ते, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम मुझे छोड़ के मत जाना, ठीक है? ते उसको दोबारा से बोलने वाले थे कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ये सब कुछ नहीं करोगे,
लेकिन जेक उसको बोलने के मौका नहीं देते हैं। सुबह सुबह उसको किस करना शुरू करते हैं। ते बोलता है, तुम्हारे अंदर इतना एनर्जी कहाँ से आता है? पूरी रात तुमने मुझे सोने नहीं दिया, अब फिर से तुम शुरू हो गए हो। जेके ते को बोलता है, मेरे अंदर एनर्जी की कोई कमती नहीं है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अभी तुमने देखा ही क्या है, अभी अभी तो शुरू है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ते। और फिर वो दोबारा से ते के साथ वो सब कुछ करना शुरू करते हैं और सुबह भी इन दोनों के बीच में लव मेकिंग होते हैं। ते को बाहर से आवाज़ आ रहे थे। ते जेके को बोलता है, बाहर क्या हुआ, इतना शोर शराबा क्यों है? मुझे इतना शोर पसंद नहीं है, जाके रोको वरना मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और जेके जो है वो बोलता है, ठीक है तुम रेस्ट करो, मैं जाके देखता हूँ क्या हुआ। जेके बाहर जाता है और देखता है कि बाहर जो है एक लड़की आके हंगामा कर रहा है। वो कोई और नहीं, वो लीसा की बहन जेनी है। जेनी आके बोलता है, मेरी बहन को क्यों मारा है तुमने? बहुत गंदा काम किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम बहुत बुरे हो, तुम मेरी बहन को कैसे मार सकते हो? हाँ तुमने ये काम कैसे किया? लीसा तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती थी और तुमने उसको मार दिया सिर्फ एक लड़के की वजह से? तुम इतना गैर गुजरा कैसे हो सकते हो? जेके को गुस्सा आ जाता है और उस लड़की की फोरहेड पे एक पिस्तौल को निशाना बनाते हैं। ते आके देख लेते हैं और जेके को रोक लेते हैं। बोलते, क्या कर रहे हो तुम, दिमाग खराब हो गए है क्या? मैंने तुम्हें अभी अभी क्या कहा था? जेके बोलते हैं, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम कमरे में जाओ, मुझे उससे बात करनी है, मैं लिपटा कर वापस आता हूँ, ठीक है? ते बोलता है, लिपटा कर आता हूँ मतलब क्या, क्या करने की इरादा है तुम्हारा और ये क्या बोल रहा है? जेनी बोलता है, ओ तो फिर तुम हो वो, तुम्हारी वजह से मेरी बहन को मार दिया है इस लड़के ने, तुम बहुत गंदे हो, आई हेट यू, तुम्हारी वजह से मेरी बहन की मौत हो गई है। ते बोलते हैं, लेकिन मैंने क्या किया है, तुम मुझे क्यों बोल रहे हो, तुम्हारी बहन को किसने मारा है? जेनी बोलता है, तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या, जेके ने मारा है मेरी बहन को, लीसा की मौत जेके की वजह से हुआ है, उसने उसको गोली मार दिया है। ते को बहुत शौक लगता है और बोलता है, जेके क्या ये सच है, तुमने लीसा को मार दिया? लेकिन क्यों, उसे मारने की क्या ज़रूरत है? हाँ तुम ये सब कुछ क्यों करते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम ये सब कुछ ना करो, लेकिन तुमने लीसा को मार के बहुत बुरा किया है, मुझसे बात मत करो तुम। और उसको छोड़ के जाने लगते हैं। जेके उसके हैंड पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, ये झूठ बोल रहा है, मैं तुम्हें मार दूंगी अगर सच नहीं कहा, बोलो कि मैंने लीसा को नहीं मारा है, तुम झूठ बोल रहे हो। जेनी बोलता है, नहीं मैं सच बोल रही हूँ, तुम ही ने उसको मारा है, तुम झूठ मत बोलो, तुम एक माफिया की हो, फिर भी तुम्हें मेरी बहन कितना ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन तुमने उसको मार दिया, तुम बहुत गंदे हो जेके, तुम बहुत गंदे हो। जेके इशारा करता है उसकी आदमियों को, उसकी आदमी जेनी को पकड़ के ले जाने लगते हैं। ते बोलते हैं, उसको कहाँ लेकर जा रहे हो, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो, प्लीज़ उसे मत लेकर जाओ। जेके बोलते हैं, तुम मेरे साथ चलो। ते बोलते हैं, तुम मेरी हैंड छोड़ो, तुमने मुझसे झूठ कहा है। जेके बोलते हैं, क्या झूठ कहा है, मैंने उसको नहीं मारा है, सच बोल रहा हूँ, वो झूठ बोल रही है। सो गाइज, इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है? अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।